बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे कि बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी या सफारी गार्डन, इनमें कौन सी हाउसिंग सोसाइटी तेज़ी से आबाद हो रही है और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी सोसाइटी के अंदर जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप घर बनाने के लिए प्लाट लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बात करेंगे सिर्फ ऑन ग्राउंड प्लाट्स के हवाले से जिसके अंदर पोजेशन हो और जहाँ फौरी तौर पे आप घर बना सकते हैं। बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी भी मुकम्मल आबाद सोसाइटी है और बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी के अंदर मेन इशू जो है वो इसका मेन फिरोजपुर रोड से और रायवन रोड से डिस्टेंस है, क्योंकि ये ऐसी लोकेलिटी पे है कि जहाँ से आप को किसी भी साइड से मेन अप्रोच का इशू आता है। क्योंकि अगर आप फिरोजपुर रोड से देखें तो ये तकरीबन कोई 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस बनता है, अगर रायवन रोड की तरफ से देखें तो वहाँ से डिस्टेंस जो है मज़ीद बढ़ जाता है। तो मेन इशू बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी में मेन अप्रोच का है, जिसकी वजह से ये सोसाइटी अभी तक मुकम्मल आबाद नहीं हुई। और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो जब तक इसको कोई मेन अप्रोच का लिंक नहीं मिलता रिंग रोड से या किसी और रोड से तो ये सोसाइटी जो है जल्दी बात नहीं होगी। तो नाज़रीन अब बात करते हैं सफारी गार्डन के वाले से। सफारी गार्डन लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है और मेन फिरोजपुर रोड से 4.5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है। इसकी सराउंडिंग पे सेंटर पर और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। तो सफारी गार्डन जो है ये बड़ी तेज़ी से बात हो रहा है। अब बात करते हैं कि सफारी गार्डन जो बड़ी तेज़ी से बात हो रहा है इसकी मेन रीज़न क्या है। एक तो ये है कि इसके अंदर 3 मरला 4 मरला 5 मरला की कटिंग बहुत ज़्यादा तादाद में है। और मैं ऑन ग्राउंड प्लाट्स की बात करूँगा, ऑफ ग्राउंड की नहीं। ABC के अंदर बड़ी तेज़ी से घर बन रहे हैं, चूँकि यहाँ ज़्यादा लोग वो है जो घर बनाना चाहते हैं और उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है जो कि मिडल और लोअर मिडल क्लास तरक रखते हैं, तो इसलिए बड़ी तेज़ी से यहाँ जो है घर बन रहे हैं। कमर्शियल एरिया के अंदर कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, सोसाइटी ने पार्क भी बना दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, जामा मस्जिद यहाँ बन चुकी है, फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह हो चुका है। इसके अलावा जो है ई सहूलत मरकज़ जो लाइसेंस वगैरह और जहाँ नादरा की तरफ से ई सहूलत मरकज़ बनाया गया वो भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। तो इसके अलावा यहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी भी मौजूद है और साथ ही एक फार्म हाउसेस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफारी गार्डन बना चुका है, जिसके अंदर बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखें तो सफारी गार्डन जो है बड़ी तेज़ी से आबाद हो रहा है और ये बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी से जल्दी आबाद होगा। इसकी मेन रीज़न मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर छोटी कटिंग है, कम बजट के अंदर आप प्लाट खरीद सकते हैं और चूंकि ये LDA से अप्रूव भी है इसलिए यहाँ अगर आपका थोड़ा बजट है 12-12.5 में आप 3 मरला प्लाट ले सकते हैं, 18-19 में 5 मरला प्लाट ले सकते हैं, यानी बहुत ही कम बजट के अंदर यहाँ आप प्लाट लेके फौरी तौर पर घर बना सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सफारी गार्डन जो है ये जल्दी आबाद होगा और इसका फ्यूचर रोशन है, क्योंकि जब कोई सोसाइटी में तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, घर बन रहे होते हैं तो फ्यूचर में उसका रेट भी बेहतर होगा। और अगर हम देखें इसकी लोकेशन की तो क्योंकि सेंट्रल पार्क बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सेंट्रल पार्क का और इसका डिस्टेंस अब ज़्यादा नहीं है, तो और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी इसकी सराउंडिंग में बन रही है। सफारी गार्डन जो है वो बेहतर इन्वेस्टमेंट है अगर आप घर बनाना चाहते हैं, बेहतर चॉइस है। सफारी गार्डन के अंदर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्लाट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको दोनों सोसाइटीज़ के बारे में बताया जाए। वैसे तो दोनों सोसाइटीज़ के प्राइस बहुत ही मुनासिब हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है, फौरी तौर पर आप घर बनाना चाहते हैं तो फिर आप सफारी गार्डन का इंतखाब करें। सफारी गार्डन के अंदर आपको पोजेशन वाले प्लाट बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल जाएंगे।